ये था ताल दादरा। इसके पहले वीडियो में भी हमने ताल दादरा सीखा था, वो ताल बेसिक ताल दादरा था और ये उसका थोड़ा एडवांस लेवल का ताल है, इसका भी नाम ताल दादरा है। और ये जो ताल दादरा है मैक्सिमम फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी गाने हैं, लगभग 35% जो फिल्म इंडस्ट्री गाने हैं वो ताल दादरा इसको इस पर आधारित है। और जो बहुत सारे फेमस गज़लें भी है वो ताल दादरा के ऊपर ही डिपेंड है। तो आज की इस वीडियो में हम ताल दादरा देखने वाले हैं। मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विश्वास कुरवाड़े। हमने आओ तबला सीखो इस नाम से सीरीज शुरू किया था, उसका ही आज एपिसोड नंबर 4 हम देखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी होंगी तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आई बटन है, इस आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना वक्त गमाए हम स्टार्ट करते हैं ताल दादरा, एडवांस ताल दादरा। आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी गाना जो फिल्म इंडस्ट्री का है वो आप बजा सकेंगे, जो भी ताल दादरा के ऊपर डिपेंड है। और जितने भी गज़लें हैं जो ताल दादरा के ऊपर डिपेंड है वो भी आप बजाना सीख सकते हैं, अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा। और आपको इस वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं ताल दादरा को। तो देखिए ताल दादरा में 6 मात्रा होती है, हमने इसके पहले वीडियो में देखा। जो मात्रा आई थी धा धिन्ना धा थिन्ना, ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी 6 ही मात्रा होंगी, लेकिन इसके जो बोल है थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जैसा धा ती ट ता धिन धिन, धा ती ट ता धिन धिन, ये इसके बोल होंगे। अब इसको कैसे बजाना है वो हम देखेंगे। देखिए आपको धा बजाते आता है धा, ठीक है, ती ट, अब आपको ती ट बजाना है। ती ट किस प्रकार बजाया जाता है, खाली चार्ट के ऊपर, ये हो गया ती ती ट ती ट धा ती ट, ठीक है। और अब चौथी पांचवी और छठी मात्रा हम देखेंगे। चौथी मात्रा पर है ता धिन धिन, ठीक है, ता सिंपल है ता, पांचवी मात्रा पर धिन धिन, ठीक है। अब इस पूरे पैटर्न को, इस पूरे आवर्तन को अब हम देखेंगे। धा ती ट ता धिन धिन, एक बार फिर से बजाता हूं, धा ती ट ता धिन धिन। धिन किस प्रकार बजाना है, यहां पर देखिए चार्ट के ऊपर उंगली को ऐसा करना है, ठीक है, और इधर डग्गे पर आपको गे बजाना है। दोनों का कॉम्बिनेशन करने के बाद आपको धिन मिलता है, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, धा ती ट ता धिन धिन, धा ती ट ता धिन धिन, धा ती ट ता धिन धिन, धा ती ट ता धिन धिन धा, ठीक है। इसमें 6 मात्रा है, धा ती ट ता धिन धिन, ठीक है। इसमें 2 खंड आते हैं, पहले खंड में 1 2 3 यानी 3 मात्रा आती है, जैसा सेम पिछला हमने दादरा देखा उसी प्रकार है। उसमें भी 2 खंड थे, एक खंड में 3 मात्राएं थी और दूसरे खंड में भी 3 मात्राएं थी। सेम सिमिलर पैटर्न इसका भी है, सिर्फ इसके बोल चेंज हुए हैं। यहाँ पर भी 2 खंड है, इसमें भी 3 मात्रा है पहले खंड में, सेकेंड वाला जो खंड है उसमें भी 3 मात्रा है, यानी टोटल मिला के 6 मात्रा है। और इसके बोल है धा ती ट ता धिन धिन, पहली मात्रा पे सम है और चौथी मात्रा पे इसका काल आता है। तो इसको किस प्रकार बजाना है हमने देख लिया, अब इसको थोड़ा सा स्पीड करके मैं आपको बजाता हूँ। ती ट ता धिन धिन धा ती ट ता धिन धिन धा ती ट ता धिन धिन धा ट ता धिन धिन धा, ठीक है। तो ये था ताल दादरा। अब इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे सिंपल। देखिए आपने बहुत बार सुना होगा जो ओल्ड गाना था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये था वो गाना। इस पर आपको ताल दादरा लगाना है। देखिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ये गाना आपने मैक्सिमम
जितने भी शादियाँ होती है वहाँ पर आपने सुना होगा। तो ये बाहर फूल बरसाओ, बाद में लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले बाहर फूल बरसाओ, बाद में गजल भी आपने देखी होंगी, मैं हवा हूँ कहा वतन कहा, ये अहमद हुसैन की जो गज़ल है बहुत फेमस गज़ल है, इसके ऊपर भी ये ताल यूज़ किया जाता है। बाद में अपनी तस्वीर को, ये भी गज़ल है। तो इस प्रकार फिल्म इंडस्ट्री के बॉलीवुड के जो भी गाने आप इस दादरा के ऊपर, दादरा जो ताल है इसके ऊपर जितने भी बॉलीवुड के गाने वो आप बजा सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा तो। और आपको इस ताल को तैयार करने के लिए लगभग 10 से 15 दिन की इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, धीरे से प्रैक्टिस करनी है। दादा आपको इसको स्पीड से बजाने का प्रयास करना नहीं है, सिंपल बजाना है, क्योंकि आपको आपके हाथों में अगर मेलोडी लाना है तो इस ताल को आप थोड़ा सा कम लय में बजाने का प्रयास कीजिए। 10 दिन तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये ताल ज़रूर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आज का हमारा एपिसोड नंबर 4 दादरा के ऊपर था। अगर आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है तो आप ज़रूर ज़रूर ताल दादरा के जितने भी गाने हैं आप बजा सकोगे। तो ये था ताल दादरा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए ताल के साथ, नए बोल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।